स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बधिरों के लिए समाचार। मेरे साथ हैं रजनी कालरा। करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट को बैन कर दिया है, जिसके बाद हलाल ट्रस्ट ने इस फैसले को चुनौती देने का मन बना लिया है। ट्रस्ट का कहना है कि वो इसके खिलाफ कोर्ट जाएगा। हलाल ट्रस्ट के सीईओ नियाज अहमद का कहना है कि ये व्यक्तियों और निर्माताओं की पसंद का मामला है। हलाल ट्रस्ट का कहना है कि हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ कुछ लोगों ने झूठे दावों का प्रचार किया। राजस्थान के पाली में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लिए परिवारवाद ही सब कुछ है। पीएम ने विपक्षी गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन ने सनातन का अपमान किया। वहीं पीएम मोदी ने गहलोत सरकार पर भी निशाना साधा। पीएम ने कहा कि राजस्थान महिला अपराध में नंबर वन है। तेलंगाना में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि आज कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल मोहन भागवत के पास है। वहीं ओवैसी ने यूसीसी के सवाल पर गृहमंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा और पूछा कि यूसीसी पर आदिवासियों से शाह बात करेंगे। राजस्थान के केकड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि राजस्थान में पीएम मोदी दूरबीन लेकर घूम रहे हैं, फिर भी बीजेपी नजर नहीं आ रही है। उत्तरकाशी टनल हादसे को 9 दिन बीत चुके हैं और अभी तक 41 मजदूरों को रेस्क्यू टीम निकालने में असफल रही है। सारी कोशिशें आजमाने के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रोबोट का सहारा लिया जा रहा है। डीआरडीओ की टीम रोबोट को लेकर उत्तरकाशी पहुंच चुकी है। रोबोट सुरंग के अंदर जाकर रेस्क्यू में मदद करेगा। उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों का हाल जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और उनसे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जानकारी ली। वहीं उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सुरंग का निरीक्षण करने के बाद सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और सीबीआई जांच की मांग की। बिहार के लखीसराय में फायरिंग की घटना हुई है। गोलीबारी में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हैं। इस घटना पर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सरकार के सपोर्ट से नरसंहार हो रहा है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने लखीसराय की घटना को नीतीश सरकार का इस पर बचाव किया। वहीं वैशाली में भी पटाखे चलाने को लेकर विवाद में गोली चली और 3 लोग घायल हो गए। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त भी तय हो चुका है। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पीएम मोदी अभिजीत मुहूर्त में मंदिर का उद्घाटन करेंगे।
समारोह के लिए चार चरणों में तैयारियां की जा रही हैं। वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार से भारतीय टीम निराशा में है। भारतीय टीम गमगीन है। खुद पीएम मोदी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए उनसे मुलाकात की। पीएम मोदी ने ड्रेसिंग रूम में जाकर खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम रिचर्ड माल्स अपने भारत दौरे का लुत्फ उठाते दिखे। उन्होंने भारतीय खाने का स्वाद चखा और बच्चों के साथ क्रिकेट में भी हाथ आजमाया। और इसी के साथ बधिरों के लिए समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। Z News.